ये सरकारी फर्जी तरीके से सत्ता में बैठी है, चोर दरवाजे से तो आई हुई सरकारी है, सरकार में आने के बाद भी जो है फर्जी तरीके से बहाली कर रही है। और जो तरीका जो है, जो भी इंजीनियर का हो या और भी सरकारी बहालियां हो, बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। तो सब युवक नौजवान सब लोग यहाँ आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले सत्र में हम लोगों ने इस सवाल को भी पूछा था, लेकिन सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अभी हम लोग सब लोग बैठेंगे, पार्टी के लोग, और जो एविडेंस है कि इनका जो आरोप है वो एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। उस एविडेंस को वेरीफाई करने के बाद जो है हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि इस लोगों की आवाज को कैसे उठाना है। पहली बार पीने के बाद 2 से 5 हजार रुपए देकर कैसे देते हैं आप? 2 से 5 हजार बस। अब देखिए, हमको तो इस पे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो संशोधन जो किया जा रहा है बार बार एक ही कानून का, कितनी बार संशोधन हो गया है इस कानून को लेकर के आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। काफ़ी बार इस कानून को लेकर के संशोधन किया गया है, और संशोधन तभी होता है जब कानून जो है सफल नहीं होता। यानी सरकार जो है स्वयं स्वीकारती है कि इनका जो कानून है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। नीतीश कुमार जी नशा मुक्ति करने में, शराबबंदी में फेल रहे, और ये तो प्रशासन, पुलिस और नीतीश जी का फेलियर है कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब, बाहर से शराब आता है और सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगह लोग मारे जाते हैं। तो अब ये कानून क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे, इसमें लोगों को उलझा रखा है, हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि कोई कानून अगर बनाया गया है तो उसका पालन कराया जाए। कल बिहार में भी AK-47 चला है, कल बिहार में भी AK-47 चला है, नीतीश कुमार के दिल में ही एमएलसी उम्मीदवार पे मोटरसाइकिल चला है। कल नीतीश कुमार कहते कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। अब मुख्यमंत्री पर जब हमला हुआ, कहाँ कुछ लोग कर पाते, ये तो ऐसा रेयर ही केस होता है। पूरे देश में देख लिया जाए तो इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट केस। ऐसी घटना तो पहले बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुई। आतंकी हमले में बिहार के लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे पुलवामा? देखिए, बिहार के लोगों की अगर हत्या की गई है तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, और वहाँ अब तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से केंद्र के हवाले है। और इसको लेकर के अगर कोई आतंकवादी घटना में अगर कोई हुई है तो इस पर तो सरकार कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे दोबारा ना हो। एक सुरक्षित माहौल जो है वो बनाना चाहिए वहाँ के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के। प्लस आप देखिएगा, बिहार के लोग यूक्रेन में भी तो फंसते हैं, वहाँ क्यों गए थे लोग? क्योंकि पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था नहीं है। बाहर यहाँ बिहार के लोग, हर दूसरा परिवार पलायन चल रहा, क्यों नहीं पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था हम बिहार में करें?